जय हिंद साथियों, आप सभी को अपने ही प्यारा YouTube चैनल डीसी क्लासेस पर स्वागत है। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए, तो आज हम क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए हिंदी वर्णिका चैप्टर 2, जिसका नाम है ढहते विश्वास, एक बहुत ही अच्छे मजेदार कहानी है। ढहते विश्वास इसका नाम है। इसके संपूर्ण अर्थ को हम आपको आज बताने वाले हैं। एकदम सरल और आसान भाषा में एकदम सारे प्रश्न को आप क्लियर कर लेंगे, अगर आप ध्यान पूर्वक इस पूरे सारांश को, अर्थ को आप देख लेते हैं, तो उम्मीद और विश्वास दिलाते हैं कि 100% आपका जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले ढहते विश्वास के कुछ मूलभूत बातें जान लें, जिसके ऊपर पूरी कहानी क्या है आधारित है। तो चैप्टर का नाम है बाबू, कहानी का नाम है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास, तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी का विश्वास जो है ना, किसी के ऊपर से एक या दो दिन में नहीं, बल्कि एक दिन, दो दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन में क्या होता है, समाप्त होता है। तो ढहते हुए विश्वास कहानी का कहानीकार जो है उनका नाम है सातकोड़ी होता। यानी कि ढहते विश्वास का कहानीकार कौन है, तो सातकोड़ी होता। दूसरा बात हम लोग ये जानेंगे कि ढहते हुए विश्वास जो है वो किस भाषा का कहानी है, किस भाषा का कहानी है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि ढहते हुए विश्वास जो है ये उड़िया भाषा में लिखा गया है। उड़िया भाषा का एक क्या है, कहानी है, लेकिन हम लोग पढ़ते किस भाषा में है, हिंदी भाषा में पढ़ते हैं। तो आपसे यह भी तो पूछा जा सकता है कि ढहते विश्वास का हिंदी अनुवादन किसने किया था, यानी हिंदी में अनुवाद किसने किया था। यह तो उड़िया भाषा में लिखा गया था। तो देखिए, आपको याद रखना है ढहते विश्वास का अनुवादक जो थे वो थे राजेंद्र प्रसाद मिश्र। राजेंद्र प्रसाद मिश्र थे। आगे कुछ बात हम लोग जानेंगे। सातकोड़ी होता का जन्म जो हुआ था 1929 ईस्वी में हुआ था उड़ीसा में। आपको याद रखना है सातकोड़ी होता का जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में है ना, उड़ीसा में हुआ था। और इस कहानी के मुख्य पात्रा की हम लोग बात करेंगे, यानी ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्रा देखा जाए तो वो है लक्ष्मी। कौन है, लक्ष्मी। अब लक्ष्मी के साथ साथ और भी इस ढहते हुए विश्वास में, इस कहानी में कौन मुख्य पात्रा के रूप में, तो मुख्य पात्रा के रूप में आपको याद रखना है ढहते विश्वास का मुख्य पात्रा जो थी वो थी लक्ष्मी। कौन थी, लक्ष्मी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो ये ढहते विश्वास कहानी जो है वो किस राज्य के है, तो आपको याद रखना होगा उड़ीसा। यानी ढहते विश्वास जो है वो उड़ीसा राज्य की एक क्या है, कहानी है। उसके साथ हम लोग जानेंगे इस कहानी का मुख्य पात्रा लक्ष्मी थी, और लक्ष्मी के पति का नाम जो था वो था लक्ष्मण, है ना। लक्ष्मी के पति जो थे उनका नाम लक्ष्मण था, और वो लक्ष्मण यानी कि लक्ष्मी के पत्नी जो थे वो कहाँ काम करता था, तो कोलकाता में जो है एक प्राइवेट नौकरी करता था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे तो लक्ष्मी के टोटल 4 संतान था। पूछा जाता है एग्जाम में कि लक्ष्मी के कितने संतान थे, तो आपको याद रखना होगा लक्ष्मी के टोटल 4 संतान थे, जिसमें 2 बेटा और 2 क्या थी, बेटी थी। आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि लक्ष्मी के जो पूर्वज थे, लक्ष्मी के जो पूर्वज थे वो कितने बीघा खेत छोड़कर गए थे, तो आपको याद रखना होगा, है ना। कितना याद रखना होगा, 1 बीघा। यानी लक्ष्मी का जो पूर्वज थे वो लक्ष्मी के लिए 1 बीघा खेती को क्या करके गए थे, छोड़कर गए थे। तो आइए
ये था आपकी मूल बातें इस कहानी का। अब हम लोग यहां से कहानी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ढहते विश्वास कहानी का मुख्य पात्रा जो थी एक औरत जिसका नाम था लक्ष्मी। क्या नाम था? लक्ष्मी। लक्ष्मी की हम लोग बात करेंगे तो लक्ष्मी के पास में एक घर था। देखिए यहां पर एक छोटा मोटा घर आप सबके लिए बना दिए हैं। ढहते विश्वास कहानी का मुख्य पात्रा लक्ष्मी एक औरत थी, उसके पास एक घर था और वो घर जो था, लक्ष्मी का घर जो था वो देवी बांध के नीचे था। आप लोग याद रखिएगा, लक्ष्मी का घर जो था वो देवी बांध के नीचे था और देवी बांध के पास में ही एक और बांध था जिसका नाम था दलई बांध। क्या नाम था? दलई बांध नाम था। लक्ष्मी अपने गांव में, जो है बच्चे के साथ में भरण पोषण करती थी और जो पूर्वज उनके पास एक बीघा खेती छोड़कर गए थे उसी खेती में जो है वो फसल का उत्पादन करती थी। कभी कभी ऐसा देखा गया कहानी में कि लक्ष्मी के पूर्वज जो खेती छोड़कर गए थे उसी खेती में जो है वो फसल का उत्पादन करती थी। कभी कभी लक्ष्मी का खेत में लगा हुआ फसल जो है बरसात कम होने के चलते सुखाड़ आ जाता था और बरसात अधिक हो जाने के चलते बाढ़ आ जाता था, जिसके कारण उसके खेत में लगे हुए फसल क्या हो जाते थे? नष्ट हो जाते थे। लक्ष्मी जो थी वो खेतों में फसल उत्पादन करने के साथ साथ अपने घर में कुछ बकरियां और जानवर भी पालती थी और उसी से उसका भरण पोषण चलता था। इस कहानी में आप ये भी जानेंगे कि लक्ष्मी के जो पति लक्ष्मण थे वो कोलकाता में प्राइवेट नौकरी करते थे और प्राइवेट नौकरी करने के बदले जो पैसे भेजते थे लक्ष्मी के घर लक्ष्मी के लिए और अपने बाल बच्चे के लिए, उससे लक्ष्मी का भरण पोषण नहीं हो पाता था, जिसके कारण लक्ष्मी जो है वो अपने गांव के ही एक तहसीलदार के यहाँ काम करती थी और काम करने के बदले जो लक्ष्मी को पैसे मिलता था उस पैसे से लक्ष्मी अपना और अपने बच्चे का भरण पोषण अच्छे से कर लेती थी। एक समय की बात है और एक कहानी में और भी बताया गया है कि लक्ष्मी के आसपास के एक पढ़ाकू लड़का था जिसका नाम था गुणनिधि। वो गुणनिधि कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति था जिसके चलते गांव घर में किसी भी कार्य को करना रहता था तो उससे सलाह लिया जाता था गुणनिधि से। और लक्ष्मी के बड़े बेटा का नाम अच्युत था। क्या था? अच्युत। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है कि लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या था? अच्युत था। और पढ़ाकू लड़का जो था लक्ष्मी के पड़ोसी उसका नाम था गुणनिधि। एक समय की बात है कि अधिक बरसात होने के चलते दलई बांध जो था उसमें काफी पानी भर गया था और पानी भरने के बाद दलई बांध जो था वो टूटने के क्या था? कगार पर था। टूटने के कगार पर होने के चलते इसके गांव के कुछ लोग, यानी कि अच्युत के गांव के लोग और इसके बड़े बेटे और गुणनिधि जो था वो सब के सब दलई बांध को मजबूत करने में लगे हुए थे, लेकिन बरसात अधिक होने के चलते पानी का मात्रा बढ़ गया था और वो जो है दलई बांध टूटने के करीब आ गया था। जब लक्ष्मी के गांव यानी पड़ोस का लड़का जो गुणनिधि था वो दलई बांध टूटने के कगार पर जब हुआ तो वो दलई बांध से हल्ला करते हुए गांव में, है ना, गांव में आ गया कि आप अपने अपने सामान और बच्चे को लेकर घर से बाहर निकल जाएं, अब दलई बांध क्या होने वाला है? टूटने वाला है। गांव के सारे लोग जो है अपने अपने बच्चे जानवर को जो है खोल दिए और बच्चे को लेकर भागना क्या कर दिए? शुरू कर दिए। लेकिन लक्ष्मी जो थी
एक उसके बच्चा, एक जो बच्चा था वो छोटा था, अपने बच्चे को घर में लेटाकर, और वो जो है सबसे पहले गुण निधि का आवाज सुनना, और सुनने के बाद जो है लक्ष्मी पहले अपने दलान में है ना, जहां पर वो अपने जानवर को, बकरियां को बांधती थी, वहां चली गई जानवर को खोलने। तब तक जो है ना, तब तक जो है पानी अफरा तफरी में बांध टूटने के बाद जो है पूरे गांव में भरना क्या हो गया, शुरू हो गया। इसके बाद सारे लोग भाग रहे थे, कुछ कुछ भागने के क्रम में जो है पानी के चपेट में आ गए, और वो सारे लोग जो है ना, सारे लोगों का जानवर, बाल बच्चे है ना, कहीं कहीं अलग अलग हो गए, कोई किधर दह रहा है, कोई किधर बह रहा है। उसी बीच में जो है लक्ष्मी अपने बच्चे से अलग हो जाती है, और उसके बच्चे जो है इधर उधर पानी के बहाव में क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं। बड़ा ही मर्मी कहानी है। जब बाढ़ सूखता है तो बाढ़ सूखने के बाद गांव से बाहर, लक्ष्मी के गांव से बाहर एक बरगद का पेड़ था, उसी बरगद में जाकर लक्ष्मी जो है क्या हो जाती थी है ना, लग जाती थी। और जब लगने के बाद बाढ़ का पानी सूखता है, तो बाढ़ के पानी सूखने के बाद जो है इधर उधर बच्चे, इधर उधर जानवर, जिसको पक्षियां जो है, चिड़िया जो है खोद खोद कर खा रहा था, उस समय जो है एक बच्चे पर नजर जाता है, और लक्ष्मी को ऐसा लगता है कि ये मेरा ही क्या है, बच्चा है। लेकिन ये लक्ष्मी का बच्चा उच्चा रहता नहीं है, वो दूसरे का बच्चा होगा। लेकिन लक्ष्मी उस बच्चे को अपना मानकर और जो है उसको गोद में उठाना चाहती है, लेकिन उसका बच्चा वास्तविक रूप में था नहीं। उसकी लक्ष्मी के गांव के बाहर एक शिव मंदिर था, उसी पर लोग जो है विश्वास करते थे कि हमें बाढ़ आएगा, सुखाड़ आएगा, या किसी प्रकार की समस्या आएगी तो हमें भगवान क्या करेंगे, बचा लेंगे। लेकिन देखा गया, एक समय ऐसा आया कि दलई बांध टूटने के बाद जो है पानी से अफरा तफरी उसके गांव में बच गया, मच गया, और उसके बाद ना तो वो अपने खुद को बचा सकी और ना अपने बच्चे को बचा सकी है ना। उसके बच्चे जो है उससे बाढ़ के पानी में अलग हो गए, और फिर जो है लक्ष्मी अकेला हो गई। इसीलिए कहा गया है, इसका नाम पड़ा क्या, ढहते विश्वास, क्योंकि सारे लोग, उस गांव के सारे लोग और लक्ष्मी भी अपने गांव में स्थित शिव मंदिर पर विश्वास करती थी, भगवान पर विश्वास करती थी कि जब हमारे पास कोई समस्या आएगा तो भगवान मुझे क्या करेंगे, बचा लेंगे। लेकिन जब बाढ़ आया तो भगवान भी उसे बचा न सके, और लक्ष्मी को अपने बच्चे और जानवर से क्या कर दिए, अलग कर दिए। तो ये बाबू था आपका इस कहानी का पूरा अर्थ और सारांश। मुझे उस उम्मीद और विश्वास है कि आप बहुत अच्छे से इस कहानी को समझ लेंगे, और समझने के बाद सारा प्रश्न आपसे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा वीडियो आप सबको अच्छा लगता हो तो प्लीज कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम आप सबके लिए इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो लेकर आते रहेंगे, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।